एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, आदमखोर भेड़िए का ताबड़तोड़ हमला देखा गया है। एक बार फिर मासूम बच्ची पर हमला किया है। भेड़िए ने बच्ची को गले से दबोच लिया है। आवाज सुन उठी दादी, और आपको बताया कि उन्होंने शोर, आपको बताते चले कि उन्होंने शोर मचाया है। बहराइच से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सीएचसी महसी में इस बच्ची का इलाज चल रहा है। खाना पानी खा के तक सो गए थे, उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी, तो आई वह झपट के चल जैसे हल्ला दंगा बचा, बस भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए हैं, इसलिए से नहीं, सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। चाहे भी नहीं होती ऐसी हम रहे, ऐसी बाप रहे, ऐसी बच्ची रहे हमारे थी, तो जैसे चिल्लाए तैसे हम ऐसे चपटाए थे, दादा दौड़ लो तब मच्छरदानी लगाया रहा। आवाज का चिल्लानी जैसे पकड़ी तैसे चिल्लानी, सास समझे तैसे हम सब लोग उठा गया, तो वो भाग गवा। हाँ, तो बैठ रहा तो आप लोगों ने यहाँ गांव वालों ने दौड़ाया उसको? आए गांव वाले, जब जान पे तब सब आए हैं गांव वाले। रात में हल्ला इन्होंने किया तो ये पता चला कि भेड़िया बच्ची को उठा के ले जा रहा है, तो हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए तो छुड़वाए उसको। और रात में फिर प्रशासन आया और वन विभाग का सब जने खेदा लगाया गया, इधर को भाग गया वो। जानवरों के या भेड़िए के घायल लोगों के पास हमारे पास अब तक टोटल 34 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, जिसका हम लोगों ने कम्प्लीटली इलाज कर दिया है। इसमें से दो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच रिफ़र हुए थे, जो भी अभी हमने कल स्टेटस लिया था तो वो स्टेबल है।